जनपद भदोही में चली ब्लॉक स्तरीय मीटिंग के अंत में एक जिला स्तरीय प्रेस वार्ता का आयोजन दिन सोमवार को गोपीगंज में किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों का जांच के नाम पर काफी उत्पीड़न हो रहा है। गोपाल उपाध्याय ने कहा कि प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश में 70% प्रधानमंत्री आवास बनवाकर उत्तर प्रदेश को सम्मान दिलाने का काम किया है तथा पूरे भारत में 100% स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय के निर्माण में प्रधानों की अहम भूमिका रही है कि अमेरिका जैसा संपन्न देश अपने बच्चों की शिक्षा पर काफी ध्यान देता है और जो छात्र अपनी कक्षा पास कर लेते हैं उसकी उस कक्षा की किताबें स्कूलों में जमा हो जाती हैं ताकि आगे आने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें उपलब्ध कराई जा सकें। इससे किताबों के लिए पेड़ों की कटाई काफी हद तक बंद हो गई है, लेकिन भारत देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकार तथा प्राइवेट स्कूल संचालकों की मिलीभगत से हर साल किताबें चेंज कराई जाती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके और प्राइवेट स्कूल संचालकों को कमीशन मिल सके, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अगर हर साल किताबें बदली जाएंगी तो लाखों पेड़ों का कटान होना स्वाभाविक है। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें तो इन पेड़ों के कटान को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने भदोही जनपद से एक बुक बैंक योजना प्रारंभ करने का प्रयास किया है। इस बुक बैंक से प्रधान अपने ग्राम सभा से पास हुए छात्रों की किताब एकत्र करेंगे और उस किताब को ग्राम सभा क्षेत्र या जिले में उन गरीब बेसहारा बच्चों को देने का काम करेंगे जो आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही उनकी पढ़ाई की फीस और किताबों का प्रबंध कराने में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पहल पर गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। गोपाल उपाध्याय ने कहा कि इस कदम से जहां काफी हद तक पेड़ों की कटाई कम होगी तो वहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च को बचाया जा सकता है। गोपाल उपाध्याय ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि 8 अप्रैल को ओराई ब्लॉक सभागार में 10 बजे से प्रधानों का महासम्मेलन जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी जिले स्तर के प्रधान तथा जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र, जिला उपाध्यक्ष श्री राम दुबे व ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव मौजूद रहे। हम सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से हमने समस्त प्रधानों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रधानों का जांच के नाम में भारी उत्पीड़न हो रहा था। हम समस्त उत्तर प्रदेश के प्रधानों को एक मंच पे लाने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश के साथ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी से मैंने मांग किया कि उत्तर प्रदेश प्रधानों का जांच के नाम में भारी उत्पीड़न हो रहा है, अगर उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता है तो समस्त प्रधान का कलमबंद हड़ताल करेंगे। अभी क्या स्थिति है आपके आंदोलन की, क्योंकि प्रधानों ने जो लड़ाई लड़ी और उसका क्या रिजल्ट अभी सामने आया है? देखिए, अभी हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉकवार हम लोग बैठक कर रहे हैं, प्रदेश स्तरीय ब्लॉकों में बैठक चल रही है और हमारे जो है 18 टीम प्रत्येक जो है जनपदों में जा रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉकों में बैठ रहे हैं। अभी हमारे भदोही जनपद में 6 ब्लॉक में बैठक संपन्न हुआ है। 8 तारीख को हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी माननीय श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, CDO हरिशंकर सिंह और DPRO अनिल कुमार त्रिपाठी को हमने ब्लॉक सभागार औराई में बुलाया है। हम प्रधानों की समस्या उनके समक्ष रखेंगे, अगर हम प्रधानों की समस्या उनसे वो नहीं सुनते हैं तो हम लोग जो है शासन को बताएंगे और शीघ्र ही पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधानों के साथ हम लोग लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में भारी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक बड़ी बात और सामने आई है कि आंदोलन के बावजूद प्रधानों ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छता और आवास के मामले में बहुत अच्छा काम करके दिखाया, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानों का भारी उत्पीड़न हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके बाद भी हमारे प्रधानों ने अपने ग्राम सभा के विकास के लिए पूरी तरह जागृत थे और प्रधानों ने अच्छा काम किया, आवास निर्माण में अच्छा काम किया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय में अच्छा काम किया, जिसके तहत जो है इस समय पूरे भारत बन में 77% जो है उत्तर प्रदेश में आवास बन चुके हैं और इस समय पूरे देश में एक नंबर पे प्रधानमंत्री आवास में हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका में आ गया है।